नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सैमुएलसन प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का सैमुएलसन का थ्योरी है उसी पर डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम काफ़ी टाइम एग्जाम में आपका रिपीटेड हो चुका है और ये जून टर्म इंड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्स कोड होगा AEC 106, जिसका टाइटल है पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये ग्राफ पर मत देखिएगा और कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। इतना आसान बना देंगे मैंने सैमुएलसन प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सिर्फ वीडियो को 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो होगा, उतना आपको मैंने यू नीड टू वॉच माय वीडियो टिल एंड, आपको अंत तक वीडियो को देखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और इस तरह का वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैक टू वीडियो। तो यहां पर सैमुएलसन प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पहले सपोज करो कि इकोनॉमी में या किसी कंट्री में दो व्यक्ति ए और बी है और एक पब्लिक गुड्स है, वन पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अब ये जानते हैं कि पब्लिक गुड्स का दोनों पर्सन कॉमन क्वांटिटी यूज करेगा। रोड बनेगा तो मेरे लिए पर्सनल नहीं बनेगा, पब्लिक गुड्स है, दोनों कॉमन करेगा। और प्राइवेट गुड्स का हम डिफरेंट डिफरेंट कंजप्शन करते हैं। देखिए, पब्लिक गुड्स में ये होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट कॉमन यूनिट ऑफ गुड्स, पब्लिक गुड्स का कॉमन यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन प्राइस हम डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। जैसे टैक्स पेयर जिसका इनकम ज्यादा है वो ज्यादा देता है, टैक्स जिसका इनकम कम है कम देता है। और प्राइवेट गुड्स में हम डिफरेंट पे भी करते हैं प्राइस और डिफरेंट क्वांटिटी हम कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, एनीवे जो जितना प्राइस देगा ज्यादा करेगा। तो यहां जाहिर सा बात है कि दोनों पर्सन ए और बी का जो टेस्ट होगा पब्लिक गुड्स का, आवश्यकता रिक्वायरमेंट दोनों का अलग अलग होगा। अब मान के चलो मेरे पास कार है तो हमको ज्यादा रोड की आवश्यकता है, एक बंदा के पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है, उसको पतला सा रोड से भी निकल जाएगा तो उसकी मैंने पब्लिक गुड्स यानी रोड की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे करना चाहेगा सेम पब्लिक गुड्स कहे रोड वगैरह के लिए। तो देखिए, यहां पर पहला आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि $2 देना चाहता है एक यूनिट पब्लिक गुड्स के लिए, कोई भी चीज हो सकता है, रोड हो सकता है, पार्क हो सकता है, मिसाइल हो सकता है। ठीक है, $2 देना चाह रहा है क्योंकि इसका जो पर्सन ए का जो डिमांड कर्व है फ्लैटर है, मतलब थोड़ा सूटा हुआ टाइप का है। ठीक है, $2 देना चाह रहा है, $2 दे रहा है एक यूनिट। जैसे जैसे मात्रा बढ़ते जाएगा 5 यूनिट तो वो पांचवा यूनिट के लिए वो $1 पे करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी चीज की मतलब मात्रा जब बढ़ता है तो उसका मार्जिनल वैल्यू घटते जाता है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, ये तो जानते हैं। जैसे द मोर थिंग यू हैव लेस वैल्यू मार्जिनल वैल्यू फॉर इट फॉर अस। ठीक है, जिसके लिए, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन नंबर वन एक यूनिट के लिए $2 देना चाह रहा है और 5 यूनिट के लिए, जैसे मात्रा जैसे रोड का बहुत सारा रोड हो गया तो उसका वैल्यू भी मैंने कम होगा, प्राइस कम देना चाहेगा तो $1, क्योंकि इसकी आवश्यकता कुछ फुलफिल हो रहा है। पर्सन बी का जो डिमांड कर्व है थोड़ा सा स्टीपर है, स्टीपर मतलब थोड़ा खड़क मैंने खड़क है, मतलब कह सकते हैं लंबवत टाइप का है। ठीक है, तो यहां पर क्या ये $4 देना चाह रहा है एक यूनिट के लिए पब्लिक गुड्स के लिए और पांचवा यूनिट पब्लिक गुड्स के लिए ये $2 देना चाह रहा है। ठीक है, तो दोनों में इसका डिमांड ये ज्यादा प्राइस पे करना चाहता है एज कंपेयर टू पर्सन ए। अब यहां पर एक चीज स्पष्ट हो गया कि अगर ये दोनों के डिमांड कर्व को हम जोड़ देते हैं तो डिमांड कर्व ए बी जो बराबर होगा सोशल मार्जिनल बेनिफिट। हम प्राइस क्यों पे करते हैं, उससे सोशल मार्जिनल बेनिफिट लेंगे पब्लिक गुड्स से, क्योंकि इसे सोसाइटी की क्या कहते हैं इफिशियंसी बढ़ेगी, मतलब लोगों का बेनिफिट होगा तभी तो प्राइस पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, उसके बदले में रिसीव भी तो करते हैं। तो ये दोनों को डिमांड कर्व ए और बी को जोड़ देंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आप देख रहे हैं, और ये कर्व जो है सप्लाई कर्व, जिसको एसएमसी के बराबर हमारा सप्लाई कर्व है, जिसको कहते हैं सोशल मार्जिनल कॉस्ट, जिस पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करता है, तो $3 प्राइस होता है, 5
क्वांटिटी $3 ही क्यों हुआ, क्योंकि पर्सन ए 5 यूनिट के लिए $1 देना चाहता है, पर्सन बी ठीक है $2 देना चाह रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स, यानी पब्लिक गुड्स का दोनों कॉमन क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, रोड का तो हम भी कंज्यूम करेंगे कॉमन, और आप भी कीजिएगा। देखिए 5 यूनिट हो गया और इसका प्राइस $1 प्लस $2 इक्वल टू $3, ₹1 पर्सन ए देगा पर्सन बी देगा, तो यहां पर ₹3 पब्लिक गुड्स का प्राइस होगा और पब्लिक गुड्स का क्वांटिटी निर्धारित होगा 5 यूनिट। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आप देख रहे हैं ई पर, एक कंडीशन फुलफिल होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ठीक है ऑफ पब्लिक गुड्स फॉर पर्सन ए प्लस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स फॉर पर्सन बी इक्वल टू SMC, या मतलब सोशल मार्जिनल कॉस्ट। इससे इसमें सोसाइटी की इफिशियंसी मैक्सिमाइज होगा तब जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा सम ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो में, ये इक्वेशन लिख दीजिएगा वेयर करके, ये बताना है। और आपको ग्राफ भी काफी अच्छा तरह समझ में आए, पहला ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, तीसरा ये, तो आपका एक बढ़िया क्वालिटी वाला आंसर तैयार हो जाएगा। आप इक्वेशन लिख दीजिएगा बेयर, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स फॉर पर्सन ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑफ पब्लिक गुड्स फॉर पर्सन बी, ये बराबर होगा सोशल मार्जिनल कॉस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, जय हिंद।